अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो है एक चर्च के बारे में जिसे कहा जाता है कैथेड्रल। तो बहुत ही फेमस चर्च है ये बार्सिलोना का। तो चलें चल के कर लेते हैं जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट और इसे डिटेल में जो है वो देख लेते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दूँगी, तो उसे भी अगर आप लोग चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे भी कुछ रील्स और पिक्चर्स वगैरह जो है वो पोस्ट करती हूँ। तो चलिए चल के करते हैं अपना व्लॉग जल्दी से स्टार्ट। तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं ये है कैथेड्रल ऑफ बार्सिलोना। कैथेड्रल दे बार्सिलोना भी इसे कहा जाता है स्पेनिश में। तो यहाँ पे मैं इसका ओवरव्यू आप लोगों को दे रही थी और अब चल के इसको अंदर से भी विजिट कर लेते हैं कि ये कैसा है। और जो कैथेड्रल ऑफ बार्सिलोना है वो लोकेटेड है गॉथिक क्वार्टर में। तो जब भी आप लोग देख बार्सिलोना आएँ तो देखने से ज़रूर आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है। और जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं इजीली। तो अब चल के देख लेते हैं और इसको विज़िट कर लेते हैं अंदर से डिटेल में।
तो ये था आज का व्लॉग कैथेड्रल ऑफ बार्सिलोना के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। तो डिटेल में आप लोगों को मैंने इसे अंदर से और बाहर से दिखाया है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। तो आप लोग जब भी बार्सिलोना आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएगा, इसे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, कैफेटेरिया भी है, तो आप लोग यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी भी इंजॉय कर सकते हैं और अपनी पिक्स वगैरह भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका व्यू बहुत ही अच्छा है और ये नाइट में भी आप लोग इसका व्यू जो है वो देख सकते हैं। तो मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।